हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द यूनिट 4 इन योर सिलेबस, विच इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग किसी भी प्लांट में बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेनली ऑन द लाइट कंडीशंस एंड समटाइम्स ऑन द टेम्परेचर कंडीशंस ऑल्सो। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं एक हाइपोथेटिकल हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो फ्लावरिंग कराने के लिए क्या होते हैं, इनिशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरिजन होता है, ये आपका वर्नेलिन हार्मोन है। फ्लोरिजन जो है वो लाइट कंडीशंस में डेवलप होता है प्लांट के अंदर, जो कि फ्लावरिंग कराने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फ्लावरिंग के कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो हम फर्स्टली पढ़ते हैं फोटो पीरियडिज्म के बारे में, कि लाइट जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है प्लांट्स में, और वो भी मेनली फ्लावरिंग को। वी ऑल नो दैट लाइट जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है प्लांट्स में, मेनली इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो विदाउट लाइट जो है हो ही नहीं सकता आपका, और फोटोसिंथेसिस जो है आपका बेसिक प्रोसेस है किसी भी प्लांट के लिए, या इवन हमारे लिए भी, क्योंकि जितना भी फूड है जो कि ट्रॉपिक लेवल में प्लांट से ही चलता है, सारा का सारा क्या है आपका प्लांट से ही स्टार्ट होता है। तो वो फूड जो है ओनली एंड ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसके अलावा प्लांट्स का लाइट में और भी रोल होते हैं अदर देन दी फोटोसिंथेसिस, दिस इज द मेजर रोल। फ्लावरिंग जो होती है, आप जो फ्लावरिंग है वो भी आपका लाइट के ऊपर डिपेंड होती है। सीड्स की जो जर्मिनेशन होती है, कुछ सीड्स होते हैं जो केवल लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट होते हैं, या इवन कुछ होते हैं जो लाइट की एब्सेंस में ही जर्मिनेट होते हैं। तो अलॉन्ग विद द फोटोसिंथेसिस द लाइट कैन ऑल्सो हेल्प्स इन द फ्लावरिंग और द सीड डोरमेंसी, सीड को ब्रेक करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, या सीड को डोरमेंट रखने के लिए। और जो है प्लांट्स के अंदर जो लाइट है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो पर्टिकुलरली हम फोटो पीरियडिज्म क्या होता है आपका, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोटो मींस लाइट एंड पीरियड मींस द ड्यूरेशन। सो द लाइट की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स में क्या चेंजेस आते हैं, रिलेटिव लेंथ जो होती है डे या नाइट की, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में जो चेंजेस आते हैं उसको हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीजनल अगर बात करें हम, विंटर्स की या समर्स की भी बात करें, तो जो लाइट का ड्यूरेशन होता है या जो डे लेंथ होती है या नाइट लेंथ होती है वो वेरी करती है। टेम्परेट रीजन्स में भी, ट्रॉपिकल रीजन्स में भी जो लाइट ड्यूरेशन है वो वेरी करती है, उस चीज़ को हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। तो इस वेरी करने का, इस लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स में, उस चीज़ को हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। सो जो है आपका फोटो पीरियडिज्म जो है, ये कंसेप्ट दिया था गार्नर एंड एलार्ड ने इन 1920। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फोटो पीरियडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय द गार्नर एंड द एलार्ड व्हाइल वर्किंग ऑन द टोबैको प्लांट। एक वैरायटी थी मेयरलैंड मोमोथ, ये टोबैको की वैरायटी है, इसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे। इट वाज अ शॉर्ट डे प्लांट, ये जो प्लांट होता है इसमें जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए लाइट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और लाइट कैसी, लेस ड्यूरेशन की, यानी डार्क पीरियड ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लाइट पीरियड, तभी ये क्या होंगे जो आपके टोबैको के प्लांट है तभी फ्लावर करते हैं, अदरवाइज ये फ्लावर नहीं करेंगे। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे फोटो पीरियडिज्म को, तो हम एक चीज़ पढ़ेंगे फोटो इंडक्टिव साइकिल्स। कुछ पर्टिकुलर पीरियड जरूरी होता है लाइट का, उतने दिन आप लाइट में रखेंगे तभी फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसमें डार्क पीरियड ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू लाइट पीरियड। अगर लाइट कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, सपोज 14 घंटे तक दिन होता है या लाइट अवेलेबल होती है, तब ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर दी शॉर्ट डे प्लांट्स। तो फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने जो है टोटल 3 टाइप्स के प्लांट्स बताए, दीज आर द शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड दी डे न्यूट्रल प्लांट्स। उससे पहले एक बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में कि क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है। क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है लाइट की एक पर्टिकुलर वो ड्यूरेशन, अगर उससे ज़्यादा लाइट हो ठीक है तो भी फ्लावरिंग ना हो, और उससे कम लाइट हो तो भी फ्लावरिंग ना हो, लेकिन प्लांट्स वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा लाइट है क्रिटिकल फोटो पीरियड से तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट है तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी। इट मीन्स ये दोनों क्या है आपके, इस क्रिटिकल फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग प्लांट्स की वैरायटी जो है वो वेरी करती हैं। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट है तो ही हो सकता है फ्लावरिंग हो किसमें, लॉन्ग डे प्लांट्स में, और क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट है तो ही फ्लावरिंग हो किसमें, शॉर्ट डे प्लांट्स में। सो क्रिटिकल फोटो पीरियड एक पर्टिकुलर डे लेंथ है या डे की पीरियड है जिससे ज़्यादा या कम होने पर फ्लावरिंग वेरी करती है डिफरेंट प्लांट्स में। और इस चीज़ के अकॉर्डिंग, क्रिटिकल फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग, जो आपका 3 तरह के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड दी डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट दी शॉर्ट डे प्लांट्स। नाम से पता चलता है ऐसे प्लांट्स जिनको डे लाइट जो है आपको क्या है, शॉर्ट होनी चाहिए, यानी जो आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे कम लाइट होनी चाहिए। लाइट की जो ड्यूरेशन है अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा हो गई, इट मीन्स लाइट ज़्यादा अवेलेबल हो गई एज कम्पेयर टू दी डार्क। सो जो शॉर्ट डे प्लांट्स है जिनके अंदर कम होनी चाहिए थी लाइट, जिनका डे शॉर्ट होना चाहिए था, उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। समझे आप कि अब क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एक्चुअल रोल डार्क पीरियड का होता है ना कि लाइट पीरियड का। अगर डार्क पीरियड जो है वो क्रिटिकल से ज़्यादा है तब ही क्या होगी, फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे प्लांट्स में। अगर डार्क पीरियड क्रिटिकल से कम है तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि उन्हें शॉर्ट डे चाहिए, इट मीन्स उन्हें डार्क ज़्यादा चाहिए। तो डार्क जो है वो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए, तो उस रेफरेंस में हम जो डार्क क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो डार्क का लेंगे ना कि लाइट का,
ऐसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं। अदरवाइज आप क्रिटिकल फोटोपीरियड लाइट का ही लेंगे। अगर हम लाइट का क्रिटिकल फोटोपीरियड ले रहे हैं तो फिर शॉर्ट डे प्लांट्स में लाइट जो है वो क्रिटिकल फोटोपीरियड को एक्सेस नहीं करनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। अगर लाइट ज़्यादा हो गई तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। सो शॉर्ट डे प्लांट्स आर दी प्लांट्स विच मस्ट नॉट एक्सीड दी क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर दी फ्लावरिंग बिकॉज दे नीड दी मोर डार्क पीरियड। इनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज शॉर्ट डे हैं तो लॉन्ग नाइट प्लांट्स हो जाएंगे क्योंकि इन्हें नाइट ज़्यादा चाहिए। थर्ड थिंग, इनके अंदर इंटरप्रेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी डार्क पीरियड में। सपोज इनका डार्क पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर्स और 10 आवर्स क्या हुआ लाइट पीरियड, तभी सपोज इनमें फ्लावरिंग हो रही है। अगर ऐसा होगी 6 घंटे इनको कंटिन्यूस डार्क मिल गया, फिर आपने 1 घंटे लाइट दे दी एक्सटर्नल सोर्स से विजिबल लाइट, फिर आपने टोटल जो है इवन 10 आवर्स तक आपने क्या दे दी डार्क दे दिया फिर से, तो टोटल डार्क कितना मिला इसे, 10 आवर प्लस 6 आवर 16 आवर डार्क मिला। जबकि इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या था डार्क की रेफरेंस में कि इसे 14 घंटे तो डार्क चाहिए ही चाहिए तभी फ्लावरिंग करेगा, लेकिन हमने तो 16 आवर्स तक डार्क दे दिया लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि हमने बीच में क्या कर दिया इंटरप्ट कर दिया, इसको कंटिन्यूस 14 घंटे तक डार्क चाहिए था, ठीक है, जबकि हमने क्या किया 6 और 10 2 पार्ट्स में दिया और 1 घंटे हमने इंटरप्ट कर दिया इसके डार्क पीरियड को, सो फिर भी फ्लावरिंग नहीं होगी। सो व्हाट इज क्रिटिकल फोटो पीरियड आप समझ गए होंगे, हम डार्क के वे में भी बात कर सकते हैं और लाइट के वे में भी, ठीक है। अगर डार्क के वे में बात करते हैं हम तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा डार्क होना चाहिए तभी शॉर्ट डे फ्लावर फ्लावरिंग करेंगे। अगर लाइट के वे में बात करते हैं तो लाइट में क्या होगा, लाइट जो इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए क्रिटिकल फोटो पीरियड को, अगर कर गई तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट्स के। एग्जांपल्स होते हैं लाइक दतूरा, ऑनियन, कॉटन, जैंथियम होता है, एक हैम्प होता है जो आपका सोयाबीन है, पोटैटो, शुगर केन, ये सब आपके शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, यानी इनको जो है लाइट कंडीशन जो है बहुत कम चाहिए, डार्क इनको ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की, दीज आर रिवर्स ऑफ दी शॉर्ट डे प्लांट्स। इनमें नाम से ही पता चल रहा है कि इनको लॉन्ग डे चाहिए, इट मीन्स अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड की हम लाइट में बात करते हैं तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, अगर कम हुई तो आपका कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर डार्क में बात करें, अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड डार्क की बात करते हैं तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से डार्क हमेशा कम ही होना चाहिए। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से डार्क ज़्यादा चला गया इट मीन्स लाइट क्या है कम है और डार्क ज़्यादा है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अगर हम क्रिटिकल फोटो पीरियड लाइट की बात करते हैं तो इट मीन्स क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा ही लाइट होनी चाहिए। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड सपोज 14 आवर्स है कि एटलीस्ट 14 घंटे तो लाइट चाहिए इन प्लांट्स को, तो हमें इवन चाहे 14 घंटे मिली तो ही फ्लावरिंग होगी। अगर हमें 13 घंटे भी लाइट मिल गई, बेशक डार्क से अभी भी ज़्यादा है, 11 डार्क होगा और 13 क्या होगा आपका लाइट होगा, फिर भी फ्लावरिंग नहीं होगी। क्रिटिकल फोटो पीरियड से तो हमेशा क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड थिंग, इनमें भी इंटरप्रेशन नहीं आना चाहिए लाइट पीरियड में। फॉर एग्जांपल किसी का क्रिटिकल फोटो पीरियड 12 आवर्स है कि उसको 12 आवर्स लाइट चाहिए, हमने क्या किया 10 आवर्स तक लाइट दी, फिर 1 आवर हमने डार्क दे दिया, फिर हमने 8 आवर्स तक लाइट दे दी, सो 10 एंड 1 11 एंड 8 19, और फिर हमने 5 आवर्स तक डार्क दे दिया, तो हमने टोटल 5 प्लस 1 6 आवर्स तो डार्क दिया, 10 प्लस 8 18 आवर्स हमने क्या दिया लाइट। बट इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड था 12 आवर्स, हमने कंटिन्यूसली 12 आवर्स लाइट नहीं दी कहीं भी, 10 प्लस 8 आवर्स दो जो कंडीशंस थी लाइट की, तो इसमें भी फ्लावरिंग नहीं होगी। यानी लाइट पीरियड में इंटरप्शन नहीं आना चाहिए जब तक क्रिटिकल फोटो पीरियड अचीव नहीं हो जाए। सो दिस इज दी क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में लॉन्ग डे चाहिए, शॉर्ट नाइट्स चाहिए, इसलिए इनको हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे रेडिश होता है, स्पिनच होता है, वीट है, बीट रूट है आपका, ओट्स होते हैं, पॉपी है, तो ये सब लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एक कैटेगरी आती है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लाइट ड्यूरेशन का, वेदर देयर विल बी ए मच ऑफ द लाइट और मच ऑफ द डार्क दे इवन फ्लावर, उनमें फ्लावरिंग होगी, वो लाइट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लाइक पी होता है, सनफ्लावर, बीन, टोमेटो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप पीडीएम में देख सकते हैं। तो 3 मेन कैटेगरीज होती है, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड दी डे न्यूट्रल प्लांट्स। इनके अलावा कुछ और प्लांट्स भी होते हैं जो मॉडिफाइड है, लाइक लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स एंड दी शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स। इनमें क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स में पहले लॉन्ग डे कंडीशंस होनी चाहिए फिर शॉर्ट डे कंडीशंस होनी चाहिए तभी ये फ्लावरिंग हो पाएंगे। ओनली लॉन्ग डे कंडीशंस में फ्लावर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये लॉन्ग डे प्लांट्स हो जाते हैं। इनको दोनों कंडीशंस चाहिए, लेकिन फर्स्टली लॉन्ग डे कंडीशंस, देन फॉलोड बाय दी शॉर्ट डे कंडीशंस, लाइक आपका सेस्ट्रम जो रात की रानी होती है, सेस्ट्रम नॉक्टरम, ब्रायोफिलम होता है जैसे पत्थरचट जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपके लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स में रिवर्स होगा, इनमें पहले शॉर्ट डे कंडीशंस चाहिए देन लॉन्ग डे कंडीशंस चाहिए तभी ये फ्लावरिंग कर पाएंगे, जैसे ट्राइफोलियम रैपेंस होता है, आइबेरिस अमारा होता है, ठीक है। तो ये सब आपके शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ये एक ग्राफ है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ एक बार। जैसे हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड सपोज 12 आवर्स ले लिया, इसको आप चाहे लाइट का ले सकते हैं या डार्क का, हम लाइट का लेते हैं। सपोज किसी प्लांट के लिए 12 आवर्स
ठीक है, लाइट का जो है फोटो पीरियड है। अब हम बात करते हैं पहली कंडीशन की, आप एक बार इसमें देखें, ये मूव नहीं हो रहा है, अब जो है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आप नीचे देखते रहे मैं बोलता रहूँगा एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आप जो है क्रिटिकल फोटो पीरियड सपोज 12 आवर्स है, तो ये जो डार्क शेडेड पोर्शन है हम डार्क पीरियड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो डार्क पीरियड क्रिटिकल फोटो पीरियड को एक्सीड कर रहा है नहीं कर रहा, आप देखिए खुद क्रिटिकल फोटो पीरियड को एक्सीड कर रहा है, इट मीन्स डार्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी लाइट। तो अगर शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करें तो उनमें डार्क ज़्यादा है, तो डार्क ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स फ्लावरिंग क्या होगी, हो जाएगी। तो शॉर्ट डे फ्लावर के नीचे मैंने लिखा है एफ, इट मीन्स फ्लावरिंग हो गई। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि आपका डार्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी लाइट। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली जो है 14 आवर्स तक लाइट है और जो है 10 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली डार्क है, आप देख सकते हैं रीजन। तो अगर डार्क बहुत कम है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम डार्क है, ठीक है, क्योंकि हम लाइट का ले रहे हैं, तो लाइट के क्रिटिकल फोटो पीरियड में क्या है, लाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। तो लाइट क्योंकि ज़्यादा है तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही, हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, लाइट बहुत ज़्यादा है यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट ज़्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग, इसलिए हमने क्या लिख दिया एफ। थर्ड कंडीशन देखिए आप, 10 आवर्स तक हमने लाइट दी, फिर 5 आवर्स डार्क, फिर 2 आवर्स हमने लाइट दी और फिर 6 आवर्स तक हमने डार्क दिया, तो कंटिन्यूस लाइट कहीं भी 12 आवर्स नहीं है, इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हुई। कंटिन्यूस डार्क भी कहीं भी 12 आवर्स तक नहीं है, इसीलिए आपका शॉर्ट डे प्लांट्स में भी फ्लावरिंग नहीं हुई। सो इट वॉज अबाउट द फोटो पीरियडिज्म, आप इसको लिख लें, पढ़ लें, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे फोटो इंडक्टिव साइकिल के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।